हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडीसीए कोर्स के बारे में कि एडीसीए कोर्स क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है एडीसीए का, एडीसीए कोर्स की अवधि कितनी होती है, एडीसीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद से आपको किन किन पद पर जॉब मिलने वाली है, एडीसीए कोर्स की कम्प्लीट सिलेबस क्या होती है, एडीसीए कोर्स आप कहाँ से करें, तमाम सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद से एडीसीए कोर्स से रिलेटेड आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं होंगे। अगर एक भी प्रश्न होते भी हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पे भी आपको वीडियो जरूर बनाएंगे और कमेंट में भी जरूर रिप्लाई करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देर न करते हुए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का IUIT में। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि एडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहला जो चीज दिखाते हैं कि एडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले हम जानेंगे कि एडीसीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जो एडीसी का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हम जानेंगे कि एडीसीए कोर्स की अवधि क्या होती है। तो एडीसीए कोर्स की जो अवधि होती है यानी जो टाइम होता है वो होता है 1 ईयर। तो जो एडीसीए कोर्स का अवधि होता है वो होता है 1 ईयर। तो हम जानेंगे कि एडीसीए कोर्स की संपूर्ण सिलेबस क्या होती है। सिलेबस में सबसे जो पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है वो होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन भी होता है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, इनपुट आउटपुट, सीपीयू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमोरी हिस्ट्री जनरेशन, तमाम सारी चीजें पढ़ेंगे हम कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर। ये सारी चीजें कवर होने के बाद से जो अगला आपका टॉपिक होता है वो होता है OS। OS मतलब फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप विंडोज 7 पढ़ोगे, विंडोज 10 पढ़ोगे, XP पढ़ोगे, विंडोज 11 पढ़ोगे, तमाम सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी। अगला जो चैप्टर होता है वो इसमें होता है टाइपिंग, टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश। अगर आप एडीसीए कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग भी सिखाई जाएगी और इंग्लिश टाइपिंग भी सिखाई जाएगी। देन अगला जो आपका चैप्टर होता है वो होता है नोट पैड। नोट पैड एक बेसिक सा एप्लीकेशन होता है जो विंडो के अंदर ऑलरेडी होता है, इस चीज को भी हम कवर करने वाले हैं। फिर अगला चैप्टर आप पढ़ोगे वर्ड पैड। वर्ड पैड के बाद से जो अगला चैप्टर आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे MS पेंट। पेंट के बाद से जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो इसके अंदर 3 चैप्टर जो कवर होते हैं वो आपका पहला होता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट। हम इन 3 चैप्टर को कवर करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एडीसीए कोर्स के अंदर। अब हम MS वर्ड में बनाना सीख रहे होंगे बायोडाटा, रिज्यूम, एडमिट कार्ड, टाइम टेबल, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, तमाम सारी चीजें जो प्रिंटिंग से रिलेटेड होती है वो सारी चीजें हम बनाना सीखेंगे MS वर्ड के अंदर। बेसिक कोई फॉर्म हो गया, तमाम सारी चीजें होती हैं। उसके बाद से एक्सेल के अंदर हम बड़े बड़े कैलकुलेशन करके डेटा एनालिसिस करेंगे, डेटा को हम बनाना सीखेंगे, सीट बनाएंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे। और पावर पॉइंट के अंदर हम बनाएंगे प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन में हम एनिमेशन एड करेंगे, ट्रांजिशन लगाएंगे, तमाम तरह के एनिमेशन का यूज करके हम 2D कार्टून भी बना सकते हैं और परफेक्ट एनिमेशन का यूज करके हम प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं इस पावर पॉइंट के अंदर। इसके बाद से जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपका होगा इंटरनेट, सबसे मोस्ट चैप्टर इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर हम पढ़ रहे होंगे कैसे ऑनलाइन, कोई भी कैसे ऑनलाइन फॉर्म करेंगे, गूगल ड्राइव क्या होता है, गूगल सीट क्या होता है, गूगल डॉक क्या होता है, www क्या होता है, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, तमाम सारी चीजें इंटरनेट से रिलेटेड होंगे। कैसे किसी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव करना है, कैसे किसी इमेज के वाटरमार्क को रिमूव करना है, कैसे पासपोर्ट साइज का इमेज क्रिएट करना है, कैसे आइकन डाउनलोड करना है,
तमाम सारी चीज़ें हम सीखेंगे इंटरनेट के अंदर। काफ़ी मोस्ट चैप्टर होता है इंटरनेट, सारे ऑनलाइन फॉर्म जितने गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं आए जाती वहाँ से हो गया, स्कॉलरशिप का फॉर्म होगा, ट्रिपल सी का फॉर्म होगा, सारे फॉर्म ऑनलाइन करके हम एक एक डेमो दिखाते हैं इंटरनेट के अंदर, ये कवर करने वाले हैं। इंटरनेट के बाद से जो अगला आपका जो चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे फोटोशॉप। फोटोशॉप में हम बनाना सीखेंगे पोस्टर, बैनर, फोटो एडिटिंग, PNG में कोई इमेज क्रिएट करना, लोगो डिजाइन कर देना, तमाम सारी चीजें इसमें होता है, लेटर हेड होता है, विजिटिंग कार्ड होता है, तमाम सारी चीजें हम सीखेंगे फोटोशॉप के अंदर डिजाइन करना, और फोटोशॉप का काफी एडवांस चीजें आपको। तो फोटोशॉप के हम लेटेस्ट वर्जन को पढ़ रहे होंगे 2024। जो अगला चैप्टर आपको मिलेगा वो होगा कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ के अंदर हम वेक्टर इमेज बनाना सीखेंगे, वेक्टर इमेज से जैसे लोगो बनाना सीखेंगे, कोई भी वेक्टर पिक्चर बनाना सीखेंगे, बड़े बड़े बैनर बनाना सीखेंगे, पोस्टर बनाना सीखेंगे, तमाम सारे जो ग्राफिक्स के वर्क होते हैं वो सारा चीजें हम फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ के माध्यम से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो अगला चैप्टर है इसके अंदर वो आप पढ़ेंगे टैली, और हम टैली प्राइम पढ़ाते हैं। टैली प्राइम के अंदर तमाम सारी चीजें मिलेंगी आपको, GST पढ़ने वाले हैं, GST के बाद से हम इसी के अंदर VZ पढ़ने वाले हैं, VZ एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, मर्ग पढ़ने वाले हैं, क्या होता है आपका लेजर, क्या होता है बाउचर, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, लेन देन क्या होता है, सारी चीजें हम अकाउंटिंग के सारे जो फंडामेंटल होते हैं, एडवांस चीजें होते हैं, वो सभी चीजें कवर करने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर। इसके बाद से जो अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले होंगे वो पढ़ने वाले होंगे HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसके अंदर हम सीखेंगे वेबसाइट डिजाइन करना। बेसिकली HTML से हम वेबसाइट के बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर के बाद से हम अगला जो पढ़ेंगे CSS पढ़ेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और जो CSS का यूज होता है HTML के बने वेब पेज पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो हम पहले HTML का वेब पेज बनाना सीखेंगे, उसके बाद से CSS का यूज करेंगे। इसी HTML के वेब पेज के अंदर हम CSS का यूज करके इस वेब पेज को हम स्टाइल करेंगे। उसके बाद से लास्ट में आपको पढ़ाएगा JavaScript JS। JavaScript के बाद से आपको अगला जो चैप्टर होगा वो होगा कैनवा। कैनवा काफी मोस्ट और पावरफुल चैप्टर है जो ADCA कोर्स में हम लोग ने ऐड किया है नया चीजें। उसके बाद से आपको जो आखिरी में पढ़ाया जाएगा वो हो जाएगा आपका EASYEG स्केच प्रो, जिसमें आप बेसिक एनिमेशन वीडियो बनाना सीखेंगे, और लास्ट में आपको कराया जाएगा प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट काफी मोस्ट होता है, बड़े बड़े कंपनियों के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो आपको दिया जाता है, कंपनियों के प्रोजेक्ट दिया जाता है आपको बनाने के लिए, बड़े बड़े जो एक्सेल में डेटा होता है वो दिया जाता है आपको क्रिएट करने के लिए, ताकि आप एक्चुअल में काम करके सीख पाओ। एक्चुअल में काम क्या होता है, टूल पढ़ना अलग चीज होता है और काम करना बहुत ही अलग चीज होता है। इसके बाद से हम बात करेंगे ADCA कोर्स कंप्लीट करने के बाद से आपको जॉब कहाँ कहाँ मिलने वाली है। सबसे जो मोस्ट है जॉब, अगर आप ADCA कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो जो सबसे पहला आपका जॉब होगा वो होगा कंप्यूटर ऑपरेटर। जो दूसरा जॉब होगा डाटा एंट्री का। चौथा जॉब होगा ऑफिस मैनेजमेंट। पांचवा जॉब होगा ग्राफिक्स डिजाइनिंग का। अगला जो जॉब होगा वेब डिजाइनिंग का। अगला जॉब होगा आपको अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट के बाद से जो अगला जॉब होगा आपको वो होगा ब्लॉगर का। मतलब और भी तमाम सारी जॉब होती है, जो बेसिक जॉब होती है वो आप ADCA कोर्स कंप्लीट करने के बाद से आसानी से कर सकते हैं। आप वेबसाइट डिजाइन तभी कर पाएंगे जब आप परफेक्ट HTML और CSS को जानते होंगे। ग्राफिक्स तभी कर पाएंगे जब आप फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ को अच्छे से आप कवर करेंगे। डाटा एंट्री तभी कर पाएंगे जब आप एडवांस एक्सेल पढ़े होंगे। तो तमाम सारी चीजें होती हैं इन सभी कोर्स में, जो चैप्टर है उनसे रिलेटेड होती हैं। आप उनको अच्छे से पढ़ोगे सीखोगे तो आप एक बेहतरीन जॉब पा सकते हो। जॉब मिलने के बाद से जो आपकी सैलरी होगी, सबसे मोस्ट जो होता है सैलरी होता है, तो जो सैलरी इसमें मिलने वाली है वो मिलने वाली है 15K से लेकर और 25K तक। आप यहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं ADCA कोर्स करने के बाद से। ADCA कोर्स कंप्लीट करने के बाद से आप इन फील्डों में जाके अपने करियर को बना सकते हैं। सबसे पहला ग्राफिक्स डिजाइन।
क्योंकि आप बेसिक दो एप्लीकेशन पढ़ लिए होंगे, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ। आप उसके बाद से सीख सकते हैं वीडियो एडिटिंग, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट होगा आपका क्लियर होगा, आप वीडियो एडिटिंग को आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद से वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। तमाम सारे जो कोर्स होते हैं आप इन सभी कोर्स को एडिसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद से कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और IOIT के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।